Hello everyone, I am Arpit Rai from Jodhpur. I was a student of JIT College from 2013 to 2017 of Civil Engineering branch. I work as Assistant Highway Engineer in Highway Construction Consultancy in Jodhpur. After having years of experience, I started my own company. I am CEO and founder of Manak Consultancy. We work in the sector of staffing. We provide human resource to the organization in field of IT, banking, marketing, retail, engineering and management. सिविल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जहाँ पे करियर और ग्रोथ एक इंजीनियर की कंसिस्टेंट है. सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी, है और रहेगी. गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहेगी. सिविल इंजीनियरिंग कैन वेरी प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ. दे हेल्प अ कंट्री टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी मोर. जहाँ तक JIT कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ पे वर्क करते हैं. JIT के स्टाफ टीचर्स प्रैक्टिकल हैं. इनकी जो लैब्स हैं वहाँ पे सारी प्रैक्टिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं. दो टूर्स कराए जाते हैं रिगार्डिंग सर्वे, जहाँ पे आपको सर्वे की कंप्लीट नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है. एक्चुअल में सर्वे कैसे होता है, रोड का, बिल्डिंग का, पूरे एक एरिया का, आपको उन टूर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप अपने आप को अच्छा करियर, अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं. एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल. JIT इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है. इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो स्टूडेंट्स को ये देते हैं वो एक अलग लेवल की है. सो कॉलेज की जहाँ तक बात करते हैं, JIT टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है. मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ. प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल की देखनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है. COVID-19 जैसी सिचुएशन में भी JIT कॉलेज ने एक सैनिटाइजर चैम्बर को डिज़ाइन किया, मैन्युफैक्चर किया और जोधपुर नगर निगम में उसको लगाया, ताकि वहाँ के स्टाफ अपने आप को सैनिटाइज कर सके. ये एक बहुत बड़ी बात है. इसलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे किस लेवल पे सिचुएट है. थैंक यू.